सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ बिगिनर्स मिस्टेक के बारे में। ये पहले भी एक चीज़ बना चुका हूँ एक दो वीडियो, लेकिन आज और एक वीडियो बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि जिम में मैं देखता हूँ अंडरशन चीज़ है, तो उसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ ये वाला वीडियो। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और तीन चार चीज़ें बताऊँगा जो बिगिनर्स लोग करते हैं, और तो इसके लिए उनको ज़्यादा होता है इंजरी ना, वो ज़्यादा दिन वर्कआउट कर पाते हैं, उनको बोरिंग लगता है ये जिम, और उनको पेन ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। हम लोग जैसे वर्कआउट करके मज़ा आता है, उनको ना मज़ा आता है ना उनको गेन दिखता है ना कुछ। तो उसके लिए क्या उनसे कौन से गलती वो लोग करते हैं वो आज दिखाने वाला हूँ, और होपफुली आज अगर ये आप सीख गए तो नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करोगे, आपको जिम मज़ा आने लगेगा जैसे मेरे को जिम का नशा है, आपको जिम का नशा होगा। तो फर्स्ट गलती या फर्स्ट चीज़ जो वो लोग मिस करते हैं वो है हिटिंग योर लेग्स। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं जिम में बहुत लोगों को देखता हूँ, आते हैं चेस्ट मारते हैं, शोल्डर मारते हैं, बाइसेप मारते हैं, ट्राइसेप मारते हैं, अपर बॉडी इतना बड़ा कर देंगे और लेग स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको कभी किसी दुनिया में किसी को उसको पता चला है, कैसे पता नहीं मेरे को, कि लेग्स मारने में पैक इंजरी होते हैं। भाई कोई मतलब नहीं इस बात में, अगर आप लेग नहीं मारोगे तब जगह कोई इंजरी होगा। क्यों? क्योंकि एक पेड़ इतना बड़ा बन गया तो रूट इतना छोटा सा है तो टूटेगा ना भाई। तो आओ लेग का ट्रेनिंग कभी स्किप मत करो। ये वाला वर्कआउट तो आपने किसी ना किसी को मारते हुए देखे होगा, इसको मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम वर्कआउट। अब इंस्टाग्राम वर्कआउट क्या होता है? इंस्टाग्राम वो चूतिया वर्कआउट है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये वाला वर्कआउट सुपर एडवांस वर्कआउट है, ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी बन चुका है, थोड़ा थोड़ा पंप चाहिए ना, उनको मसल में उतना स्ट्रेन देना है ना कुछ मेंटेन करना है, तो उनके लिए ये वाला वर्कआउट बहुत सेक्सी है। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए ये वर्कआउट कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए गो विद द बेसिक्स, बारबेल कर्ल मारो, डंबल कर्ल मारो, बाइसेप का भर भर वर्कआउट है वो मारो, लेकिन ये चूतिया वर्कआउट, ऐसा चूतिया वर्कआउट मत करो यार, मत करो। ओवर डिपेंडेंसी ऑन सप्लीमेंट्स। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा सप्लीमेंट मत लो, सप्लीमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बात ऐसा है ना कि हम लोगों को सप्लीमेंट समझ के लेना चाहिए। अभी आप जिम करना चालू किए, दो महीने भी नहीं हुए, आप जाके यहाँ पे वे प्रोटीन, एल कार्टिनिन, एल आर्गेनाइन, क्रिएटिन और क्या क्या है जो जो है सब ले लिया, 5-6 से 8 हज़ार का BCAA, EAA सब ले लिया, फिर जाके वर्कआउट करना चालू किया, बहुत गंदा, बहुत गलत डिसीजन है। पहले तो अपना जो फूड सोर्स है उससे अपना वे प्रोटीन, अरे सॉरी, उससे अपना प्रोटीन जो भी सोर्स है उससे आप प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करो। मैं जब पहले जिम करना चालू किया था ना, तो मेरा जो सर थे उनको मैं एक बार पूछा था कि सर ये सप्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि उस टाइम मेरे को सप्लीमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने मेरे को मस्त बात बताया। देखो, जब भी हम लोग एग्ज़ाम देते बैठते हैं ना, हम लोग पेपर्स देते, राइट, तो हम लोग सप्लीमेंट कब लेते हैं? सप्लीमेंट तब लेते हैं जब हमारा पहला जो नॉर्मल जो पेपर होता है वो ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ भी ऐसी सीन है, जब अपना जो प्रोटीन सोर्स है या फिर माइक्रोज मैक्रोज जो भी सोर्स है वो जब अपने फूड सोर्स से कंप्लीट नहीं होता है, तब जाके हम लोगों को ये जो सप्लीमेंट है वो लेना चाहिए। जैसे अब मैं 5-6 साल हो गया जिम करते हुए, अब मैं जाके ये चालू किया हूँ वे प्रोटीन, ये सब चालू किया हूँ, इससे एक साल तो मैंने कोई सप्लीमेंट लिया ही नहीं। तो अब मैं भी बोलता हूँ ओवर डिपेंडेंट मत हो सप्लीमेंट पे, बस सप्लीमेंट को जो सप्लीमेंट ही रखो, और जो अपना मेन सोर्स ऑफ डाइट है वो आप नेचुरल डाइट से कम्प्लीट करने की कोशिश करो। ये वर्कआउट तो आपने जिम में एक ना एक बार देखा ही होगा, ये ऐसा वर्कआउट पता नहीं कहाँ पे वर्कआउट है, ये बैक का वर्कआउट है, शोल्डर का वर्कआउट है, रिस्ट का वर्कआउट है, फोरआर्म का वर्कआउट है, किस चीज़ का वर्कआउट है भाई मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं तो लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जिम में कोई भी वर्कआउट गलत नहीं होता, हमेशा याद रखना है, जिम में कोई भी वर्कआउट गलत नहीं होता, बस लगता कहीं और है। इसमें बाइसेप का तो पता नहीं, लेकिन बैक की लोड़े जरूर लग जाएंगे। इस पॉइंट में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लर्न द पोस्चर। आप आके वो हेवी वेट मारने के चक्कर में ना अपना जो पोस्चर है उसको ख़राब करते हो, और पोस्चर ख़राब करने के चक्कर में इंजरी होता है, और आप बोलते हो कि हेवी वेट में इंजरी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा फेवरेट पार्ट है,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रनिंग बिहाइंड योर पीयर। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको मसल मास बनाना है, आपको दिखना अच्छा है, आपको कोई पावर लिफ्टिंग करना नहीं है। आप ये बात समझो, ये जो वर्कआउट है वो पावर लिफ्टिंग वर्कआउट है। आप अगर नॉर्मल वेट से मारोगे, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए नॉर्मल है, आप 10-12 रैप मारो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 रैप मैक्स हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है भाई। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो नहीं है, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो भाई ये मारो, एक 1 रैप मैक्स मारो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पावर लिफ्टर, उनका स्पोर्ट्स अलग है। हम जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका, हमारा स्पोर्ट्स अलग है। तो प्लीज़ पीआर के पीछे मत भागो। पीआर मतलब पर्सनल रिकॉर्ड, भाई मत भागो, ज़रूरत नहीं है हम लोगों को पीआर का। हम लोगों को पीआर ऐसे देखना है कि आज इससे 12 रैप गया, नेक्स्ट वेट बढ़ा के वापस से 12 रैप जाना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, ना कि अपने पीआर के पीछे भागो। इतना ही था वीडियो के लिए, तो मस्त खाओ, फिट रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, एक मस्त ब्लॉग बनाया उसको लिए वेट कर लो। तो मिलता हूँ उस ब्लॉग में, टाटा।